प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी अपनी ओर ध्यान देते हैं तो हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम सुखी रहें। इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द ना हो, लेकिन चाहने से कुछ होता नहीं। हम देखते हैं कि ज़िंदगी दुख दर्द से भरी रहती है और फिर अपने आप को एक सुखी अवस्था में लाने के लिए हम अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं शायद सेहत अगर हमारी ठीक होगी तो हम खुश हो जाएंगे, तो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि शायद धन दौलत ज़्यादा कमाएंगे तो खुशियाँ ज़्यादा ज़िंदगी में आएंगी, तो उस और कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। कई बार सोचते हैं कि जो मेल मिलाप है लोगों से, जो रिश्ते नाते हैं, अगर ये बेहतर होंगे तो शायद खुशियाँ ज़्यादा होंगी, तो ध्यान उस और करना शुरू कर देते हैं। हम सब यही कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। कभी इधर देखते हैं, सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सोचते हैं कि वो बड़े खुश लगते हैं तो हम खुश क्यों नहीं। फिर उधर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, हमें पता नहीं क्यों तकलीफ हो जाती है। फिर उस तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि इनके घर बार में तो शायद कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, हमारे घर में तो सुबह से रात तक डंडे खड़कते रहते हैं। फिर उस तरफ देखते हैं तो लगता है कि इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, हम पता नहीं क्यों नहीं कमा पा रहे। और कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं और अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि वो इंसान जो यहाँ भी देखता है, वहाँ भी देखता है, वहाँ भी देखता है और जिस और उसे देखना चाहिए उस और देखता नहीं, जो बाहर की दुनिया में देखता है अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाता नहीं, वो कभी सुखी हो नहीं सकता। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते में लिखा है, वो इस पहलू को बड़ा खोल कर अपने एक शेर में समझाते हैं। वो फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो रहरो नहीं राह गुजर देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कि ऐसे इंसान जो प्रेम से रहना चाहते हैं, जो आनंद में रहना चाहते हैं, जो सुख चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको अहले जुनू, जुनू खुशी का माहौल, मस्ती का माहौल, जहाँ खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। तो फरमा रहे कि ऐसे इंसान जो सदा सुख चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जो अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, जिन्हें मालूम हो जाए कि उनकी मंजिल क्या है और फिर उस मंजिल तक पहुंचने की मस्ती, पहले तो ये मालूम हो कि हमारी मंजिल क्या है, उसमें ही इंसान को मस्ती आने शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी चीज़ें इस दुनिया में हैं, समझ में आता नहीं क्या करें। अब बच्चे 10th क्लास पढ़ते हैं, अब पता लगता है साइंस लें कि आर्ट लें कि कॉमर्स लें, फिर हाई स्कूल पास करते हैं, फिर अगर PCM ले लिया तो फिर समझ में आता है इंजीनियरिंग अब लें कि अब आर्किटेक्चर में जाएं कि कंप्यूटर साइंस सीखें, फिर जब वो कर लिया फिर आगे जाके एडमिशन जिस जिस एरिया में हुई उसको समझ के फिर सोचते हैं कि अब बैचलर्स डिग्री हो गई
अब नौकरी करें कि अब पहले मास्टर लें कि पीएचडी करें, तो मंजिल हमारी क्या है, करना क्या है, वही कई बार समझ में नहीं आता इंसान को। जब वो समझ में आ जाए कि मंजिल क्या है, तो आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है और फिर खुशी खुशी से आदमी अपनी मंजिल की और कदम बढ़ाना शुरू कर देता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिन भाई बहनों को अपनी मंजिल तक पहुंचने की सच्ची लगन है, तो हम सब की मंजिल क्या है, हम सब चाहते क्या है। बाहर से तो ऊपरली तौर से सब लोग सुख चैन चाहते हैं, सब चाहते हैं मेरी जिंदगी आराम से गुजरे, प्रेम से गुजरे, सुख चैन की मेरी जिंदगी हो, आनंद से मैं जीऊं, सब चीज़ अच्छी अच्छी होती रहे। और वो होंगी कब, जबकि हम अपनी मंजिल को जान लेंगे और उस और कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे भाई बहन जो सदा सदा का सुख चैन पाते हैं, जिनके अंदर एक सच्ची लगन है अपनी मंजिल को जानने की, तो उनको क्या करना चाहिए, वो अगली लाइन में समझा रहे हैं कि वो रहरो नहीं, रहरो होते हैं चलने वाले, फतेह जिनको बोलते हैं, जो रास्ते में चलते हैं, कि वो रहरो नहीं रह गुजर देखते हैं। रह गुजर होता है रास्ता क्या। तो फरमा रहे हैं कि जो सच्चे दिल से अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो देखते कि रास्ता कौन सा मंजिल तक जाने वाला, और उस रास्ते पर वो कदम बढ़ाते चले जाते हैं। तो सदा सदा के सुख चैन का रास्ता तो बाहर की दुनिया में किसी चीज में हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज इस बाहर की दुनिया की टेम्पररी है, इम्परमनेंट है, सदा सदा के लिए रहने वाले नहीं। तो जब हम उससे लगाव करते हैं, उसके साथ कनेक्शन करते हैं, तो वो फिर टिकती नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वो चंद क्षणों के लिए है, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हो, ये भी 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 साल में हट जाती हैं। इंसान की जिंदगी 50, 60, 100 साल है, कई पेड़ हैं जो 400, 500 साल भी जीते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं जो सदा सदा के लिए रहे। और जब उससे हम खुशी लेना चाहेंगे तो सदा सदा की मिल नहीं सकती। तो क्या है जो सदा सदा के लिए है, जैसे गुरबाणी में कहे, आज सच जुगाज सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो सृष्टि के शुरुआत में क्या था सच, पिता परमेश्वर, आज क्या सच है, वही पिता परमेश्वर, उसका नाम, उसका शब्द, और सृष्टि के आखिर तक क्या सच रहेगा, वही पिता परमेश्वर। तो मंजिल पिता परमेश्वर को जानने में है, मंजिल अपनी आत्मा का मिलाप उनमें करवाने में है, और जो उस मंजिल की ओर कदम बढ़ाएगा, उस रास्ते पर चलेगा जो हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा देगा, वही सुख चैन की जिंदगी पाएगा। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो रहरो नहीं, वो इंसान ये नहीं देखेगा कि दूसरे का घर मेरे से बड़ा के छोटा, उसके पास कारें मेरे से ज्यादा हैं, कि उनके घर में चीजें ज्यादा हैं, या वो कपड़े अच्छे पहनते हैं। वो ये देखेगा कि मैंने पिता परमेश्वर को पाना है, उसको पाने के लिए अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं, अंदर की दुनिया में जाने के लिए अभ्यास करना है, और अभ्यास एकांत में होता है। हमारे लिए कोई और अभ्यास कर नहीं सकता, ना हमारे माँ बाप, ना भाई बहन, ना पति पत्नी, ना बाल बच्चे, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, हम सबके कर्म अलग अलग हैं, और हमने अपने आप अपनी आत्मा के लिए जो बेहतर है वो करना है। हर एक के सोच, हर एक के बोल, हर एक के कार्य का भुगतान हर एक ने करना है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो अपनी जिंदगी ऐसी बनाए जो सद्गुणों से भरी हो, और जिसमें प्रभु की ओर हम कदम बढ़ाएंगे, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर जरूर बढ़ेंगे। और सदा सदा का सुख चैन अगर पाना है, तो इस किस्म की हमारी जिंदगी होनी चाहिए। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने
इसी पहलू को समझाया है कि अगर हमने सदा सदा का सुख चैन पाना है तो क्या होना चाहिए। हम लोग तो जब खुशियां आती हैं तो बड़े खुश दिखाई देते हैं, अगर हमारी प्रमोशन हो गई बड़े खुश दिखाई देते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही शादी हो जाए बड़े खुश दिखाई देते हैं, शादी हो गई उनके बच्चे हो जाए और खुश दिखाई देते हैं, तो हम अगर एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हमारे नंबर अच्छे हो जाए बड़े खुश लगते हैं। तो हम लोग खुशी चीजों के लिहाज से समझते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिंदगी में ज्यादा मौके ऐसे आते हैं जबकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें लगता है हम दुख दर्द से गिर गए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जिंदगी ऐसे लगती है जैसे पेंडुलम है, वो स्विंग कर रहा है, इधर खुशी का समय है इधर गम का समय है, तो उसमें स्विंग कर रहा है, कभी इधर से इधर जा रहा है कभी इधर से इधर जा रहा है, लेकिन बहुतों को लगता है वो इधर ही स्टक है कि वो दुख की जिंदगी उन्हें इतनी ज्यादा भारी लगती है कि खुशी के क्षण उन्हें दिखाई नहीं देते। तो किस लिहाज से हम उस खुशी के आलम में रहें, उस दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ओर इशारा देते हुए एक शेर कहा, फरमा रहे हैं कि नशाद ओ दर्द में देखा है मैंने दर्शन को। नशाद ओ दर्द का मतलब होता है सुख का समय और दुख का समय, कि नशाद ओ दर्द में देखा है मैंने दर्शन को, हर एक हाल में शादा है तेरे दीवाने। शादा होता है जो कि टोटली कंटेंटेड हो, जो कि खुश हो, जो हर हाल में सुखी हो। तो फरमा रहे हैं कि हर हाल में शादा है तेरे दीवाने के, हे पिता परमेश्वर जो आपको प्रेम करने वाले हैं वो ही सदा सदा सुखी रहते हैं। तो रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर सुख चैन की जिंदगी देखनी है, अगर हर हाल में चाहे बाहर की दुनिया में दुख आए, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, अगर हम चाहें कि हम खुश रहें तो फिर हमें पिता परमेश्वर से लगाव होना चाहिए, हम प्रेम में उनके दीवाने हों, हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्रेम हो। क्योंकि बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के एक महासागर हैं, हम उनका अंश होने के नाते एक आत्मा है जो उसी महासागर की एक बूंद है, और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो इधर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हर एक हाल में शादा है तेरे दीवाने, कि जो आपका प्रेमी है, जिसका लगाव आपके साथ है, जिसका प्रेम आपके साथ है, हे पिता परमेश्वर वो ही हर हाल में हमें खुश दिखाई देते हैं, हर हाल में सुख चैन से जीते हैं। अब पिता परमेश्वर से प्रेम कहाँ से करें और उनसे प्रेम कैसे करें, उनकी ओर ध्यान हम कैसे दें जिन्हें इन आंखों से देखते नहीं कानों से सुन नहीं पाते। हम लोग तो मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर से प्रेम इंसान कैसे करे जिसे देखा नहीं जाना नहीं पहचाना नहीं, उससे प्रेम कैसे हो। सन्मत का रास्ता बार 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 हमें समझाता है कि हम अपने सदगुरु के अंदर पिता परमेश्वर के रूप के दर्शन करते हैं। इसीलिए एक शिष्य का प्रेम अपने सदगुरु के साथ, जो कि सदगुरु की ओर उन्हें लगता है, वो असल में पिता परमेश्वर की ओर होता है। क्योंकि जो एक पूर्ण महापुरुष है एक वो कॉन्ड्यूट बन जाते हैं कि जिनके जरिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें उस प्रेम की झलक हम कैसे पाते हैं वो समझा रहे हैं, कि हम जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो फिर हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं जब हम अपना भार उनके ऊपर डाल देते हैं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और आपका सामान आपने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है तो उसका तो कोई फायदा नहीं,
अब गाड़ी में चढ़ गए तो सामान आप डब्बे में गाड़ी में रखेंगे तो आपको बाहर उठाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं, उनसे नाम की देन लेते हैं, तो फिर जो सबसे भारी कर्म है हमारे, उनका भार हमारे ऊपर से हट जाता है, हम हल्के हो जाते हैं, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं, हम अंदर की यात्रा में उड़ान करने के लायक हो जाते हैं। और जो हमारे दो और हिस्से हैं कर्मों के, एक प्रारब्ध कर्म जो हमारी जिंदगी में झेलने हैं, एक क्रियामान कर्म जो कि हम रोजाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उस करके होते हैं, उनमें मदद मिलती है ताकि हम अपनी मंजिल तक खुशी खुशी पहुंच सकें। हमारे सदगुरु का सहारा जब हमारे अंग संग होता है तो कोई भी मुश्किल हमें मुश्किल नहीं लगती। हमें से कई भाई बहन हैं जिन्हों को ऐसे मौके मिले होंगे जब हम तकलीफों में थे और हम संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए गए या संत दर्शन सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए गए, उनसे मुलाकात हुई और दुख दर्द हमारे दूर हो गए। कि ऐसे महापुरुषों की जब नजरे कर्म हम पर पड़ती है तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान होने शुरू हो जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस पहलू को लेकर एक जगह फरमाया है, वो हमारे एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, गमखार का मतलब था हमदर्द, कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। अब जिंदगी में हम जब किसी से भी मिलते हैं, चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे नेबरहुड में रहते हों, चाहे ऑफिस में काम करते हों, तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान अपने दुख दर्द से घिरा हुआ है। तो जो अपने दुख दर्द से घिरा हुआ है वो तो किसी की मदद कर नहीं सकता, तो मदद तो वही कर सकता है जिसको अपना कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। और इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा, कि अपने दुख दर्द में तो दुनिया के सब लोग हैं, क्योंकि हर एक के कर्म जुड़े हैं उनके साथ। और एक पूर्ण महापुरुष जिसके साथ कोई कर्म नहीं है, वो क्योंकि कर्मों से रहते हैं, इस करके उनकी मदद हमें मिल सकती है ताकि हमारे कर्म जो हैं वो हल्के हो जाएं। इसीलिए वो हमारे मददगार हो सकते हैं। जिसके पास अपना बोझ है वो और किसी का बोझ क्या उठाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें एक करेक्टरिस्टिक एक पूर्ण महापुरुष की बता रहे हैं कि वो कर्मों के साथ आते नहीं, ना ही उनके साथ कोई कर्म जुड़े हुए हैं। उनकी जिंदगी हम सबको मदद करने के लिए दी गई है। वो यहां हम सबको अपनी मंजिल की ओर ले जाने के लिए आए हुए हैं। कई शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस को एक्सप्लेन करते हुए समझाया है कि उनकी कैसी जिंदगी थी। एक पूर्ण महापुरुष जब इस धरती पर आता है तो उनसे हमें क्या मिलता है, और दो लाइनों में बहुत डीप मीनिंग उन्होंने दिए हैं ताकि हम जान पाए कि हम सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी अपने सदगुरु के अंग संग होकर कैसे पाते हैं। तो बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या था। तो फरमा रहे, किसी पर जान दे देना मकसद हस्ती समझते हैं, कि किसी पर जान दे देना मकसद हस्ती समझते हैं, न हमसे पूछिए हम जिंदगी का राज क्या जाने। वो फरमा रहे हैं कि हमारी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, एक ही जिंदगी का राज हमें समझ में आया, वो क्या है कि किसी पर जान दे देना मकसद हस्ती समझते हैं, कि किसी की मदद करना, किसी की तकलीफ को दूर करना। मदद तो तभी करते हैं जब किसी को किसी चीज की जरूरत हो। जब किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, उनको मदद करना वही हमारे जिंदगी का मकसद है, वही लक्ष्य है, वही गोल है। तो इस प्रकार की जिंदगी ऐसे महापुरुषों की होती है।
उनकी जिंदगी सुबह से शाम तक हम सब की मदद में गुजरती है। जब हम संदर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी को देखते हैं तो उनको लोग मिलने को रात को 3 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, तो हर समय वो अवेलेबल होते थे कि हम उनसे मदद ले पाएं, हमारे दुख दर्द को वो दूर कर पाएं। और जिंदगी भर वो भाई बहन जिन्होंने नज़दीकी से संदर्शन सिंह जी महाराज को देखा, वो सब जानते हैं कि कितना प्यार उनके अंदर सबके लिए था। वो ये नहीं कि वो किसी एक के लिए आए हों, चाहे कोई उनका नज़दीकी था, चाहे उनको कोई जानता था बाहरी रूप में या नहीं जानता था, लेकिन वो हर एक की मदद के लिए ही अपनी जिंदगी जीते थे। आगे एक जगह और वो समझा रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी महापुरुषों की होती है। तो फरमा रहे हैं कि हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो अलम, हम ही को सौंप दिए कुछ जहां के रंजो अलम, किसी में और हमारी सी दिल दही ना मिली। वो फरमा रहे हैं कि दुनिया में किसी और में उस किस्म की संवेदना शक्ति ना मिली, सहानुभूति की शक्ति ना मिली, उस किस्म की कंपैशन ना मिली जो कि हम एक पूर्ण महापुरुष में देखते हैं। और पिता परमेश्वर जब ऐसे महापुरुषों को भेजता है तो साथ में उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है कि हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो अलम, के जो दुनिया के दुख दर्द हैं उनको मिटाने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे महापुरुषों को दे देता है। तो फरमा रहे हैं कि ये तो प्रभु की दया है कि उन्होंने मुझे चुना, मुझे इस लायक सोचा कि मेरे जरिए औरों को मदद मिले। जब भी हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो वो कभी ये नहीं फरमाते कि वो कुछ कर रहे हैं, वो यही कहते हैं मेरे सदगुरु ने करा, पिता परमेश्वर की मदद हो गई, क्योंकि वो अपने आप को कॉन्ड्यूट ही समझते हैं। उनको मालूम है कि प्रभु की सत्ता जो उनके अंदर काम कर रही है वही सबकी मददगार है। प्रभु जिससे चाहे उसके जरिए काम करा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीते, हमें प्रभु के बारे में जानकारी पाने के लिए एक मानव चोले में ही प्रभु ऐसी रूह को भेजते हैं जिनके जरिए वो प्रभु क्या हैं, कौन हैं, और उनकी मदद हम सबको मिलती रहे। इसीलिए यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो अलम, के ऐसे महापुरुष के जरिए हम सबकी जिंदगी में खुशियां आए, ऐसे महापुरुष के जरिए हमें प्रोटेक्शन मिले, आराम मिले, मदद मिले। वो प्रभु ने इस किस्म का सिस्टम सेटअप कर दिया। आगे एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि मुझी को बख्श दिए कुल जहां के आलाम, सिमिलर लाइंस पर है कि मुझी को बख्श दिए कुल जहां के आलाम, गमे जहां के लिए कोई दूसरा ना मिला। तो यहां वो फरमा रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने दुनिया में मदद करने के लिए जो रास्ता बनाया उसमें मेरे ऊपर इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि मदद जो कि इस दुनिया के लोगों को इस दुनिया में चाहिए वो यहाँ तक पहुँच सके। और एक जगह और फरमा रहे हैं उनके अंदर कितना प्रेम हम सबके लिए था। फरमा रहे हैं कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है, ए हमदम,
वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है, ए अहंदम, हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है। जब ऐसे महापुरुष आते हैं वो कोई अपने लिए अपनी, जिसे हम कहते हैं निजी फैमिली या फिजिकल फैमिली या अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के लिए नहीं जीते, उनके जरिए प्रभु का प्रेम हर एक जीव तक पहुंचता है, चाहे वो उनके नज़दीकी हों चाहे हमें लगे उनको वो जानते नहीं। वो हम सबको एक ही निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे बाहरी रूप को नहीं देख रहे, वो तो हमारे अंदरूनी रूप को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम एक आत्मा हैं, वो देख रहे हैं कि इस आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। वो जानते हैं कि इस आत्मा को ये सुनहरा मौका प्रभु ने दिया है अपने आप को जानने का और प्रभु से एकमेक होने का। वो चाहते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। तो उनका सारे एफर्ट्स इसीलिए होते हैं कि हम किसी तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो बार 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 महापुरुष हमें हर किस्म की मदद करते रहते हैं ताकि हम इस सुनहरे मौके को गंवाए नहीं। और एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आदमी का दुख उठाया प्यार दुनिया से किया, कि आदमी का दुख उठाया प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। वो समझा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हर एक इंसान के दुख दर्द को दूर करते हैं और उनके अंदर सबके लिए प्रेम होता है। और वो कह रहे हैं कि जानो दिल से अपने हर एक चीज से, अपनी जान से, अपने दिल से, कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त, के जो मेरा दोस्त जो पिता परमेश्वर है, जो उन्होंने मुझे काम दिया है, वो अपने जान से दिल से जो कुछ भी मेरे पास है हर एक चीज से मैं करता रहा। हमें ये समझा रहे हैं कि जब भी ऐसे महापुरुष आते हैं तो उनकी जिंदगी शुरू से लेके आखिर तक हम सबकी मदद में गुजरती है। पुराण में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य आया, कहते हैं कि जो माया की दुनिया है इसके अंदर मथन करा, मथन करते हैं जैसे मक्खन निकालते हैं उसका निचोड़ निकाला, तो उसमें कई अलग 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 तत्व निकले, में से एक जहर का निकला। तो जब जहर का तत्व निकला सबको लगा तो जहर तो बहुत खराब है दुनिया के लिए। तो जो भगवान शंकर थे, ऐसे पुराण में आया है, तो भगवान शंकर ने वो जहर सारा का सारा पी लिया। वो कहते हैं वो भगवान शंकर से शिव शंकर बन गए, इस करके ही उन्हें कल्याणकारी देवता माना जाता है। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कई महापुरुष आए जो कि दुनिया के दुख दर्द विष के माफक अपने ऊपर उठाते चले गए। हम इंसान ऐसे महापुरुषों को जब वो जीवित होते हैं जान नहीं पाते, इसीलिए जब हिस्ट्री में देखें तो कई महापुरुष जब आए तो उस समय के लोगों ने उन्हें जाना नहीं, पहचाना नहीं, उन्हें बड़ी तकलीफें दी और वो तकलीफें अपने ऊपर सहते रहे ताकि जो आम इंसान था उसको फायदा मिल सके। तो सुदर्शन सिंह जी महाराज भी इधर यही समझा रहे हैं कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त, के आदमी का दुख उठाया प्यार दुनिया से किया। उनका कि जब मैंने इंसानों का दुख उठाया और दुख उठाया तो मुझे उनसे और लगाव होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये और तकलीफ में है, तो मेरा प्यार उनकी तरफ और गया और मेरे जरिए प्रभु का प्रेम उन तक गया। और जब प्रभु का प्रेम उनकी रूह की गहराई तक पहुंचा तो उसमें बदलाव आ गया, उसमें उभार आया, प्रभु के प्रेम में वो आत्मा रंगी जानी शुरू हो गई और फिर उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर प्रभु की ओर जाना शुरू हो गया। ऐसी जिंदगी संदर्शन सिंह जी महाराज की थी।
ऐसी जिंदगी महापुरुषों की होती है ताकि हम सब अपनी मंजिल की और कदम बढ़ा सकें। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लफ्जों के जरिए, क्योंकि कई बार ऐसे महापुरुष कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं कि वो कौन थे क्या थे, एक जगह और वो संकेत दे गए हैं कि वो पहली बार नहीं आए थे। वो संकेत दे गए हैं कि कई रूहें बार 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 प्रभु भेजता रहता है मदद करने के लिए। एक जगह फरमाते हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो जब इन वर्ड्स को समझे तो लौट आए हैं, इसका मतलब है कि वो पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पर शायद कई बार ही आ चुके हैं यार के दर से, कि वो पिता परमेश्वर के साथ मस्ती में थे, प्रेम के आलम में थे, उनके साथ आनंद की अवस्था में थे, कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है, जब यहां पर नीड्स हुई, जब यहां जमीन पर जरूरत हुई, तो फिर पिता परमेश्वर उन रूहों को जो उनके अंग संग हैं उन्हें यहां हम सबकी मदद के लिए भेज देते हैं। उनकी मदद ना हो तो हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। कितने 6 बिलियन से तो ज्यादा लोग आजकल रहते हैं, वैसे थोड़े से हैं जो कि पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं। बहुत से लोग तो दुनिया में आते हैं और इस दुनिया की चीजों में रहते हुए जीते हुए इस दुनिया से चल बसते हैं। इसका असली मकसद क्या है उसकी और कईयों का तो ध्यान ही नहीं जाता। और बहुत से लोग यही सोचते हैं कि जो कुछ हमने करना है वो सब इस दुनिया में ही होना है, तो हमारा सारा ध्यान दुनिया की और दुनिया की चीजों में ही निकल जाता है। तो ये सुनहरा मौका जो हमें मिला है अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का, वो हम गवा देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने राइटिंग में कई जगह इंडिकेट कर गए हैं कि एक पूर्ण महापुरुष जब आता है तो उसकी मदद से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की शरण मिली, उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसे महापुरुष जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष थे वो हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे और उनकी मदद हमारे साथ अंत तक रहेगी। जब तक हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से ना हो तब तक उनकी मदद हमारे साथ रहेगी। हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, हमने अपनी जिंदगी को सद्गुणों से भरना है, हमने समय बाकायदगी से निकालना है ताकि हम अभ्यास कर पाए। उनकी दया में हमारे साथ हर पल हर क्षण है और वो यही चाहते हैं कि हम इसी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो ये भी फरमा गए हैं कि अगर हम बुद्धू भी हों, डफर भी हों, कुछ भी ना करें, फिर भी अगर एक पूर्ण महापुरुष से हमने नाम की देन ले ली, उनकी दया दृष्टि हम पर हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाइफ टाइम लगेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचे और इसलिए फरमा गए हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो कम से कम रोजाना हम भजन अभ्यास के लिए निकालें। ऐसा करेंगे, अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालेंगे तो इसी जिंदगी में हम अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हों, आंखें बंद
करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मनी मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सिंची के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।